वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बच्चे, सबसे पहले अभी हम जो पढ़ रहे थे, इसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा पीएन जंक्शन डायोड, फिर हमने इसी डायोड में दूसरा टॉपिक पढ़ा बेसिक, फर्स्ट बेसिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, सेकंड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, मतलब कि किस तरह से हम इसमें बाइसिंग करनी होती है डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड में हम किस तरह से बाइसिंग करते हैं और किस तरह से उसके फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस में इफेक्ट होते हैं। अंडरस्टैंड, जैसे हमें पता है कि फॉरवर्ड वाइस में हम जब बाइसिंग करते हैं तो डिप्लीशन रीजन हमारी थिन होती है, जो हिसाब से उस डिफ्यूजन चार्ज कैरियर डिफ्यूजन करेंट फ्लो होता है। और हम बात करें रिवर्स वाइस में, तो जिस तरह से रिवर्स वाइस में हम बाइसिंग करते हैं तो हमारी डिप्लीशन विथ वाइड होती है, जिसके कारण मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो नहीं होता है और माइनॉरिटी के कारण करंट फ्लो होता है। अंडरस्टैंड, ठीक है बच्चे। तो ये तो हमारा था बात की बाइसिंग का। फिर हमने जो थर्ड इसमें लेक्चर पढ़ा है वो है डायोड एज ए रेजिस्टेंस, डायोड किस तरह से रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। और हमने देखा कि फॉरवर्ड वाइस में दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जब डायोड के अक्रॉस हम डीसी एनालिसिस करते हैं, और मैंने बोला था कि व्हेन डायोड इज ऑन नो इनपुट सिग्नल, डायोड पर कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं है, मतलब कि एसी नहीं है, इनपुट नहीं है, इसका मतलब है एसी नहीं है। अंडरस्टैंड नाउ, फिर हमने उसमें पढ़ा था डायनेमिक रेजिस्टेंस, और फिर उसी के आगे हमने देखे थे इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम डायोड का आज जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, ये टॉपिक का नाम है डायोड एज अ कैपेसिटर। ठीक है, डायोड एक कैपेसिटर की तरह कैसे बिहेव करता है, देखें, ध्यान दें। पहले तो जैसे हमने बात की, जब हम रिवर्स वाइस में करेंगे तो एक अलग कैपेसिटर का नाम आएगा, जब फॉरवर्ड वाइस में करेंगे तो अलग कैपेसिटर का नाम आएगा। तो पहले मैं रिवर्स वाइस की बात करता हूं, इस कैपेसिटर का नाम है स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ओके, चले। तो क्या नाम बोला मैंने, ध्यान से देखें। स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस, या इसी का नाम क्या है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ओके, स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ये क्यों हमारा बिहेव करता है, किस तरह से क्यों बिहेव करता है एज ए कैपेसिटर, क्यों ये एज ए कैपेसिटर बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर आप कैपेसिटर को, अगर आप डायोड को, ये हमारा एक डायोड है, ध्यान से देखें बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि व्हाई डायोड बिहेव एज ए कैपेसिटर। दिस इज सपोज ए नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ पी है, यहाँ पर एन है। ठीक है, अब आपको पता है जब पी है और एन है, यहाँ पर क्या होते हैं हमारे एक्सेप्टर एटम आप डालते हो, जिसके साथ होल होते हैं, है ना, और यहाँ पर डोनर एटम डालते हो, ठीक है ना, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और फिर आपको पता है कि हमारे जंक्शन के आसपास क्या होता है, जंक्शन के आसपास हमारा इमोबाइल चार्ज होता है। दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड इन ओपन बाइस। जब हम बाइसिंग नहीं कर रहे हैं, ओपन है, तब हमारा जो है ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हमने इसको रिवर्स बाइस किया, इफ आई एम अप्लाइंग द रिवर्स बाइसिंग, अगर रिवर्स बाइस अप्लाई किया तब क्या होता है, व्हाट हैपेंड व्हेन वी अप्लाई द रिवर्स बाइस। ठीक है, जब रिवर्स बाइस आप अप्लाई करते हो तो आपको पता है रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर डिप्लीशन रीजन की विथ बढ़ती है। प्लीज लिसन केयरफुली, रिवर्स वाइस वोल्टेज बढ़ाने पर
विथ जो है विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज, विथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इंक्रीज। ठीक है, क्या होता है डिप्लीशन रीजन की विथ जो है वो इंक्रीज होती है। अब डिप्लीशन रीजन की जो विथ इंक्रीज हो रही है मतलब कि इसमें चार्ज कैरियर इमोबाइल चार्जेस इमोबाइल आयन बढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि डिप्लीशन रीजन की विथ बढ़ रही है मतलब कि इसमें चार्ज, कौन से चार्ज, इमोबाइल की बात हो रही, चार्ज बढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि वोल्टेज चेंज कराने से चार्ज में चेंज आ रहा है। इफ वी आर चेंजिंग द वोल्टेज देन द चार्ज इज ऑल्सो चेंज देन दिस इफेक्ट इज द कैपेसिटिव इफेक्ट। मतलब कैपेसिटिव इफेक्ट क्या है, सी टी इज इक्वल टू चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वोल्टेज। तो हमें जब चार्ज के साथ वोल्टेज और वोल्टेज के साथ चार्ज में रिलेशन मिलता है तो उसको हम वहां पर कैपेसिटिव इफेक्ट बोलते हैं। सो यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि यहां पर कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करेगा डायोड। इज इट ओके, क्लियर है? ओके, नाउ इफ यू सी डेट बिहेव लाइक ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां पर आप देखो तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह दिख रहा है, क्योंकि आप देखें जंक्शन के आसपास दोनों तरह है, जंक्शन के आसपास आप देखें इस तरह से नेगेटिव मान लें इधर और ये पॉजिटिव मान लें, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा दिख रहा है यहां पर आपको, क्योंकि विथ बहुत ज्यादा है। तो सी टी इज इक्वल टू दिस एंड सी टी इज इक्वल टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, व्हाट इज द डी, दिस इज द डब्ल्यू, व्हाट इज द डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द विथ, इज इट क्लियर? ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, विथ है हमारी, डब्ल्यू इज द विथ ऑफ दिस, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, तो दिस इज द डब्ल्यू और व्हाट इज द डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द, दिस इज द डब्ल्यू, इज इट ओके, क्या ये बात क्लियर हो रही है, क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो ये हमारा डब्ल्यू है, ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि इस कैपेसिटेंस का, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का डिपेंडेंसी किस किस पैरामीटर पर है, किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये विथ है इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये बात। फिर हम बात करते हैं इसमें, फिर हम ये बात करते हैं कि फाइनल फॉर्मूला किस तरह से किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। कुछ डायरेक्टली मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, बट जो भी डिपेंडेंसी है पैरामीटर्स पर वो अपन यहां डिस्कस करने वाले हैं। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, यहां पर मैं एक नॉन लीनियर है स्टेप ग्रेडेड या डिफ्यूजन या अलॉय जंक्शन ले रहा हूं। इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी बोला इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में समझाया है, जंक्शन दो अलग अलग टाइप के होते हैं, लीनियर जंक्शन और नॉन लीनियर जंक्शन। यहां पर मैं नॉन लीनियर जंक्शन ले रहा हूं। नॉन लीनियर जंक्शन का मतलब क्या होता है, हियर आई एम टेकिंग द नॉन लीनियर जंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन लीनियर जंक्शन, जब आप Na और Nd की डोपिंग एक जैसी नहीं रखें, दोनों की डोपिंग कम या ज्यादा रखें, यहां पर मैं Na की डोपिंग ज्यादा ले लेता हूं Nd से, दिस इज द नॉन लीनियर जंक्शन, सिंपल सी बात है। इसको स्टेप ग्रेडेड जंक्शन भी बोलते हैं, इसको आप अलॉय जंक्शन भी बोलते हो। तो आपको पता है नॉन लीनियर जंक्शन में, मैंने आपको अंदर का उसमें बताया भी था किस तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये हमने बताया हुआ है, ये पूरा डेरिवेशन हमने किया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये हमारा P है, ये N है, ठीक है, रिवर्स वाइज किया हुआ है, ऊपर रिवर्स वाइज लगा देता हूं, और यहां पर ये इसकी डिप्लीशन रीजन है, ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन है। और ये डिप्लीशन रीजन होने के बाद आपको मैंने बताया था, ध्यान से देखें, यहां पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बात करूँ, ये नॉन लीनियर जंक्शन की बात हो रही है, नॉन लीनियर जंक्शन, ठीक है, नॉन लीनियर जंक्शन की बात हो रही है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो
फॉर दिस केस हियर आपने एन ए ग्रेटर देन एन डी लिया, ठीक है, अब ए मैंने बनाया, एन ए और एन डी बराबर है ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक मुझे चेंज करना होगा, प्लीज चेंज कर देते हैं, क्या चेंज हुआ है बताता हूं मैं आपको, एक मिनट बता रहा हूं, ठीक है, ओके, तो इसमें जो चेंज है बच्चे वो देखें, जब आपने एन ए ग्रेटर देन एन डी लिया हुआ है, एन ए ग्रेटर देन एन डी होता है तो आपको पता है एन ए मतलब डब्ल्यू पी इज लेस देन डब्ल्यू डी होगा, मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा पी साइड जो डिप्लीशन रीजन है वो जो हमारा एन साइड डिप्लीशन रीजन है उससे कम होगा, इज इट ओके, पी साइड डिप्लीशन रीजन एन साइड से कम होगा, तो पी साइड डिप्लीशन रीजन एन साइड से कम है तो आपको जो डिप्लीशन रीजन मिलेगा ये इस तरह का कुछ मिलने वाला होता है, ठीक है, क्या इस तरह का मिलने वाला होगा, ध्यान से देखें, ठीक है, क्लियर है, चले, तो पहले तो आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है, और यहां पर दोनों तरफ चार्ज बराबर होते हैं, आपको पता है इधर चार्ज बराबर होते हैं, यहां पर नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव, चार्ज बराबर है, ठीक है, दिस इज द डिप्लीशन रीजन, दोनों तरफ डिप्लीशन रीजन की विथ अलग अलग होगी क्योंकि डोपिंग अलग अलग है, डोपिंग इज रेगुलर, सो विथ इज रेगुलर, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना, चार्ज इक्वलिटी कंसेप्ट से दोनों तरफ चार्ज बराबर होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है, चार्ज बराबर होता है दोनों तरफ, तो अब हमने जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इधर पढ़ रखी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किस तरह की होती है, शेप उसका इस तरह का कुछ होता है, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो भी, और हम बात करें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, डेट इज द शेप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द नॉन लीनियर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये थोड़ी सी बात आपको समझानी थी, लास्ट में समझा चुके, अब ऑन दिस बेसिस हमारा क्या निकलेगा, यहां पर इस बेस पर हमारा कैपेसिटर का एक फॉर्मूला निकलेगा जो विथ है, दिस इज द टोटल विथ, प्लीज लिसन केयरफुली, दिस इज द टोटल विथ, और यहां से यहां तक की विथ जो है, यहां से यहां तक की विथ है ए है डब्ल्यू पी, और यहां से यहां तक की विथ है ए है डब्ल्यू एन, तो हमारी जो विथ है टोटल, दिस इज द डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू एन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डब्ल्यू पी एंड डब्ल्यू एन, नाउ वी फाइंड द विथ डब्ल्यू पी एंड डब्ल्यू एन, इसमें विथ अपन निकालेंगे और इसका एक फॉर्मूला निकालेंगे, तो आपको मैंने एक जंक्शन पोटेंशियल बताया था लास्ट में, याद है जंक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वेरियर पोटेंशियल प्लस वी आर, इज इट ओके, क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया फॉर्मूला, दिस इज द जंक्शन पोटेंशियल, ये हम जंक्शन पोटेंशियल डिस्कस कर चुके हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं जंक्शन पोटेंशियल, ध्यान से देखें, अब हम बात करें, अगर हम अब बात करें कि जंक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकलेगा इन द रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज में जंक्शन पोटेंशियल का अगर फॉर्मूला, इसके लिए पूरा बच्चे एक डेरिवेशन है, हम डेरिवेशन पर नहीं जा रहे हैं, वी डोंट रिक्वायर द डेरिवेशन, Q and D upon this into W square, into W square, this is the formula, Q and D upon this into W square, this is the formula, very important formula of the junction potential, junction potential का बहुत ही important formula है, क्या A लिखा हुआ है, ठीक है, अब आप अगर इससे, मैं आपको next page पर ले जाता हूँ, ध्यान से देखें, junction potential is equal to Q and D upon this into this. This is the junction potential. और इससे width का formula जो निकलेगा, जरा ध्यान से देखें, बहुत important है. This is the formula of width. किस case में है? ये formula का एक limitation है. कौन सी limitation है? जब आपका N A greater than N D है, तब ये formula निकला हुआ है. Please यहां पर ध्यान जरूर देना है, अगर ये इक्वल होता तो क्या होता, अगर ये लेस देन होता तो क्या होता, बताता हूं, पहले इस फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं,
दिस इज द जंक्शन पोटेंशियल एंड एन डी सिग्मा क्यू इनका रिलेशन और ये डब्ल्यू विथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन और ये रिलेशन आ गया। ठीक है, ये सभी डेरिवेशन है, हमें नहीं करना है। तो इसका अब हम जरा सा और अंदर डीप में पढ़े तो आपको डब्ल्यू दिख रहा होगा प्रपोर्शनल होता है जंक्शन पोटेंशियल के, ये क्वेश्चन आया है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द एस एस सी, विथ इज प्रपोर्शनल टू जंक्शन पोटेंशियल, और जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है वीओ प्लस वी आर, तो दिस इज द प्रपोर्शनल टू वीओ प्लस वी आर। इज इट क्लियर, ये आपको VO प्लस VR के प्रोपोर्शनल दिख रहा है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अगर ये है NA ग्रेटर देन ND, वेरी गुड, अगर NA लेस देन ND होता तो क्या होता, तो क्या होता सर, तो इस फॉर्मूले में ND की जगह NA आ जाता, इस फॉर्मूले में ND की जगह NA आ जाता। मैं उस फॉर्मूले को यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखें, A वाले इसके लिए NA, इसके लिए लिख देता हूं W इज इक्वल टू VJ अपॉन क्यू, एन डी की जगह क्या आ जाता, एन ए आ जाता। ठीक है, अब अगर इसमें एन ए और एन डी बराबर होते, ए वाला इसके लिए है, ए वाला इसके लिए है, अब एन ए और एन डी बराबर है, थर्ड फॉर्मूला लास्ट, एन ए इक्वल टू एन डी, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला, देन फॉर्मूला क्या होगा वो लिख रहा हूं, डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि ए अंडर रूट में है पूरा, ए पूरा अंडर रूट में है, क्योंकि यहां से अंडर रूट आएगा, ए पूरा अंडर रूट में है, यहां पर अंडर रूट में है पूरा, है ना, तो सिंपल सी बात है, ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसको इधर करके ए डब्ल्यू स्क्वायर है, तो अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, हाँ जी, तो टू सिग्मा वी जे अपॉन क्यू वन अपॉन एन डी प्लस 1 अपॉन एन ए, दिस इज द फॉर्मूला जब ए बराबर होगा अंडर रूट में। इज इट ओके, तो आपको मैंने जंक्शन पोटेंशियल और विथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, जंक्शन पोटेंशियल एंड विथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन के बीच में रिलेशन बताया है, और ये रिलेशन आपको अलग अलग इस पे फैक्ट पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, आप इसमें Q चार्ज है, ND डोपिंग है, ठीक है, और इसमें आप देखेंगे किस तरह से आप इसको चेंज करवा सकते हैं जब आप डोपिंग चेंज कराते हैं। इज इट ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप जैसे कि आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम एट द जंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जंक्शन पर मैक्सिमम होती है। अब ये होती कितनी है इसके लिए फॉर्मूला निकालना है, बट वी डोंट रिक्वायर द डेरिवेशन, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, अभी हमने जो पढ़ा है, हमारा क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है इस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पता है कि ये जंक्शन पर मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये होती है क्यू एन डी ओमेगा एन अपॉन दिस, इज इट ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जंक्शन पर मैक्सिमम होती है। अब आपको पता है हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है, एन डी ओमेगा एन इज इक्वल टू एन ए ओमेगा पी। ठीक है, तो यहां पर आप फॉर्मूले में क्यू एन डी ओमेगा एन को क्या लिख सकते हो, एन ए ओमेगा पी भी लिख सकते हो, पहली बात। ठीक है, क्लियर हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात क्लियर हुई, इसमें कोई डाउट है तो बताएं, इसमें कोई डाउट है तो बताएं। ठीक है, चले, तो ये तो हमारे कुछ रिलेशन हुए फॉर्मूले में, कुछ हमें जो निकालने थे वो हो गए। अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होता है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या है उसको ध्यान दें। ठीक है, क्या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को ध्यान देना है, चले, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या हुआ अभी देखें, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस शुरुआत में मैंने बताया था, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर ए अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, अब व्हाट इज द डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द विथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, और डब्ल्यू विथ के लिए हमने फॉर्मूला निकाल चुके हैं, विथ का फॉर्मूला क्या निकला हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विथ टू एप्सिलॉन वीजे अपॉन दिस, या आपको अलग अलग उसमें अलग अलग हमने ये डिस्कस किया हुआ है, अलग अलग इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्या इसमें देखें, जब एन ए लेस देन है तो ए है, बराबर है तो ए है, तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे टू फाइंड आउट द फाइनल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस निकालने के लिए निकालते हैं। तो अब ध्यान दें जरा, नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूं आपको,
बराबर एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर ए अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, अब आपको पता है सी इज, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज दिस एंड वी नो डेट डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट प्रोपोर्शनल हो रहा है, किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है डब्ल्यू, आपके वीजे के। ठीक है, डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू वीजे। दिस इज द विथ, तो आपको पता है अभी हमने डिस्कस भी कर चुके हैं कि डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वीजे। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुने, तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वीजे या वीजे होता है वीओ प्लस वी आर। ए किसके लिए है, दिस इज फॉर द नॉन लीनियर जंक्शन स्टेप ग्रेडेड जंक्शन। ए जो सी है प्रोपोर्शनल टू वन वाई अंडर रूट वीजे, दिस इज फॉर द नॉन लीनियर जंक्शन और स्टेप ग्रेडेड जंक्शन के लिए है। अब अगर आप लीनियर ग्रेडेड जंक्शन की बात करें, लीनियर जंक्शन की बात करें, अगर लीनियर जंक्शन की बात करें तो लीनियर जंक्शन के लिए C प्रोपोर्शनल हो जाएगा VJ की पावर 1 बाय 3 के। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। ये क्या बता रहा हूं मैं कि अगर हमारा जंक्शन लीनियर है, इफ द जंक्शन इज लीनियर देन क्या होगा, देन हमारा C जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, VJ की पावर 1 बाय 3 1 अपॉन या माइनस का वन बाय, इज इट ओके। नाउ कम टू द फाइनल फॉर्मूला, हम इस पे आते हैं। ये तो इसके बीच में कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, सी अनवर दिस इज दिस 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 नॉन लीनियर में ये अंडर रूट वीजे या वीजे की पावर वन बाय टू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये लीनियर में वन बाय थ्री। नाउ कम टू द ओरिजिनल फॉर्मूला, ध्यान से देखें। अब इसमें जरा डब्ल्यू को पुट करें तो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा, ध्यान से देखें। सी बराबर एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू, तो सी बराबर जो हमारा था सी बराबर एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या थी, वही जो फॉर्मूला हम देख सके ठीक है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब इसको इसमें पुट करें जरा, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से देखें। ए आया, अब जरा इसको एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, क्यू एन डी अपॉन, और इससे काट दें सिग्मा से, तो क्या आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला फॉर द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ए इधर से जाएगा, तो दिस दिस एंड डी अपॉन टू वीजे, दिस इज द फाइनल सी टी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, दिस इज द फाइनल सी टी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ऑफ द डायोड। किसी डायोड का रिवर्स वाइस में जो कैपेसिटेंस आता है उसका फॉर्मूला आपके सामने आ गया, ए इसका फॉर्मूला याद रखेंगे तो डायरेक्ट आपको कभी कभी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सी टी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ए भी पूछा जाता है किस पर डिपेंडेंट है किस पर नहीं है, एरिया अंडर रूट के अंदर है सिग्मा एप्सिलॉन क्यू एन डी अपॉन टू वी जे। ठीक है, अब जरा सा अगर आप और जरा सा अगर डीप में जाना चाहें तो मैं एक फॉर्मूला और निकाल देता हूं, कभी कभी इस पे आ जाता है क्वेश्चन, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। VJ इज इक्वल टू VO प्लस VR होता है, जब आप, मैंने बताया है लास्ट क्लास में, अगर डायोड के अक्रॉस, अगर डायोड के अक्रॉस, ध्यान से देखें, डायोड के अक्रॉस
हमने रिवर्स वाइज वोल्टेज लगाया है तो जो जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल आएगा डेट इज कॉल्ड द वीजे, जंक्शन पोटेंशियल, और ये वीओ प्लस वीआर होता है, ये मैंने आपको बताया। और अगर हमारा डायोड ओपन है, कोई वोल्टेज यहां पर नहीं लगाया है, तो जंक्शन पोटेंशियल और वैरियर पोटेंशियल बराबर होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो डायोड के अक्रॉस अगर अगर डायोड के अक्रॉस आपने बाइसिंग दी है तो जंक्शन पोटेंशियल वीओ प्लस वीआर, वीआर इज द रिवर्स बाइसिंग, और नहीं दी है तो वीआर हटा दो, तो वीजे और वीओ बराबर होता है। ठीक है, अब इस बेस पे जो अपन ने बात की है, इस बेस पे इस फॉर्मूले में थोड़ा सा अपन चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखें, इस बेस पे इस फॉर्मूले थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। देखें जरा जरा ध्यान से देखें, इसमें से मैं जरा सा 2 VO बाहर ले रहा हूं। ठीक है, क्या बचेगा? 1 प्लस VR अपॉन VO। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला बच्चे बड़े ध्यान से देखें, ये बहुत जरूरी है, कभी कभी आ जाता है। ए जो है, दिस इज द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ऑफ डायोड व्हेन वी डू नॉट अप्लाई एनी बाइसिंग। जब आप कोई भी रिवर्स बाइस नहीं लगा रहे हो तो जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये रहेगा, और जब आप बाइसिंग लगा रहे हो तो ये पूरा फॉर्मूला आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने केवल वीओ को ले लिया, और आपको पता है कि जब हम बाइसिंग नहीं करते तो केवल जंक्शन पर वीओ रहता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ये जो मैंने लिखा है, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है जब हम डायोड के अक्रॉस कोई भी बाइसिंग नहीं लगा रहे हैं, तब जो फॉर्मूला ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का आएगा वो ए होगा। इसको मैं क्या लिख दूं, इसको ध्यान से देखें, इसको मैं लिख देता हूं CT-1 प्लस VR अपॉन VO। तो क्या समझ में आया? सी टी इज योर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू CT-CT- इज द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस व्हेन नो रिवर्स बायस इज अप्लाई अपॉन में 1 प्लस VR अपॉन VO। इज इट ओके। और CT- का फॉर्मूला आपको साफ साफ दिख रहा है, CT- जब आपने कोई भी रिवर्स वाइस नहीं लगाया है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ CT-। इज इट क्लियर? ए CT- आ गया और ये पूरा CT आ गया। व्हाट इज द CT? CT इज द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, या हमारा कैपेसिटेंस ऑफ डायोड जो आप बोलते हो कब रिवर्स वाइस में होते हैं, इसको आप सी म्यू भी बोलते हो। CπCμ आपने पढ़ा है? CπCμ है ना, जब आप एच पैरामीटर मॉडल है ना, लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल पढ़ते हो, तो उसमें CπCμ आता है। इस ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को आप सी म्यू भी पढ़ेंगे। मैं आगे जब आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा इसको Cμ इज द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो सिंपल सा आपको जितना मैंने समझाया उतना समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया। और अगर उसमें आपको कोई कंफ्यूजन लगा, उसमें आपको कोई डाउट लगा, तो कितनी बात समझ में आने चाहिए आपको? केवल इतनी समझ में आनी चाहिए कौन कौन से पैरामीटर किस किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं, फॉर्मूले समझ में आ जाए तो भी आपका काम हो जाएगा। इज इट ओके? क्लियर हुई बात मेरी? तो आप बस फॉर्मूले याद कर लें, क्योंकि इसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला आता है कि कौन किसके लीनियरली डिपेंडेंट है, इनवर्सली डिपेंडेंट है। अंडरस्टैंड? समझ रहे? इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जब आप इस पे जब रिवर्स वाइज नहीं करते हो तो क्या फॉर्मूला है, किस किस पे डिपेंडेंसी आ रही है, जब रिवर्स वाइज करते हो तो किस पे आ रही है, ये सब चीजें आती हैं इसमें। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? चले, तो अब हम अगला जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, और दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन डायोड इन फॉरवर्ड वाइज। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटेंस व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस, कैपेसिटेंस व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस, ये वो कैपेसिटेंस है जब आपका डायोड फॉरवर्ड
फॉरवर्ड वाइस में है, ठीक है। और इसकी अगर डेफिनेशन बोलूं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इंजेक्टेड चार्ज विथ वोल्टेज, इट इज डिफाइन एज, क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंजेक्टेड चार्ज विथ वोल्टेज। क्या लिखा हुआ है, इंजेक्टेड चार्ज जो वोल्टेज के साथ चेंज हो रहे हैं, इंजेक्टेड चार्ज जो वोल्टेज के साथ चेंज हो रहे हैं उसके रेट का जो डिफाइन है, कितना रेट से चेंज हो रहे हैं वो आपको कैपेसिटेंस देता है। और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, डीक्यू अपॉन डीवी चेंज ऑफ डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, हो चाहे कभी भी, कैपेसिटेंस का इफेक्ट तभी आएगा जब चार्ज चेंज होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या रेट ऑफ चेंज ऑफ इंजेक्टेड चार्ज। इंजेक्टेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम फॉरवर्ड वाइस लगाते हैं तो चार्ज हमारे मेजोरिटी में आ रहे हैं, ठीक है ना, और इस पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंजेक्टेड चार्ज विथ द वोल्टेज, दिस इज द ए, ठीक है, क्या क्लियर हुआ। अब आपको जरा सा फॉर्मूला निकालना है, आपको बता रहा है I बराबर I, करंट क्या होता है, चेंज डी क्यू अपॉन टाइम, ठीक है ना, I चेंज इन करंट, चेंज इन करंट डी आई बराबर क्या होता है, डी आई बराबर चेंज जो होता है क्यू अपॉन टाउ होता है, ठीक है ना, चेंज अपॉन टाउ होता है। तो आप इधर क्यू को अगर बात करें तो डी क्यू इज इक्वल टू आपका क्या निकल के आ गया, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, डी क्यू इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, आई इंटू टी रेट ऑफ चेंज ऑफ द, और इसका वोल्टेज के रिस्पेक्ट में निकालें रेट ऑफ चेंज, है ना, रेट ऑफ चेंज डी क्यू अपॉन अगर वी के रिस्पेक्ट में निकालें, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में निकालें, तो आप देखेंगे इसके वोल्टेज के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा, तो डी आई अपॉन डी वी इज इक्वल टू दिस, दिस इज द चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, दिस इज द फॉर्मूला डी आई अपॉन डी वी अपॉन टाउ, और इसको इसमें पुट कर दें। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो I बराबर Q by T, a change of charge with respect to time, और अगर इसको V के रिस्पेक्ट में देखें तो सिंपल सी ये आ जाएगा, और यहाँ पर इसको यहाँ पर अगर पुट करें, अगर इसको यहाँ पर पुट करें तो क्या दिख रहा है आपको, क्या फॉर्मूला बन गया, डायरेक्ट देखें जरा, टाउ डी आई अपॉन डी वी, टाउ डी आई अपॉन डी वी, ठीक है क्या। और आपको मैंने लास्ट क्लास में ही बताया है व्हाट इज द डी आई अपॉन डी वी, डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ डायोड हमने डिस्कस किया हुआ है, लास्ट क्लास में हमने डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ द डायोड डिस्कस किया हुआ है, डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ द डायोड डिस्कस किया हुआ है, टाउ जी डायनेमिक कंडक्टेंस, जी इज द डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ द डायोड, डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ डायोड, और इसको बोलते हैं डी आई अपॉन डी वी, डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ द डायोड, कल ही पढ़ा है जी बराबर डी आई अपॉन डी वी होता है, डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ डायोड होता है, ठीक है। और डायनेमिक कंडक्टेंस ऑफ द डायोड आपने कल ही फॉर्मूले निकाला हुआ है, बताओ जरा क्या निकला है, अगर इसको देखेंगे आई अपॉन ईटा वी टी, ये क्या निकला था, कल हमने पढ़ा है आई अपॉन ईटा वी टी, कल मतलब लास्ट क्लास में, रेजिस्टेंस वाली क्लास में, ठीक है ना, कल का मतलब है रेजिस्टेंस वाली क्लास में हमने पढ़ा है। आई आपको फॉर्मूला हमने बता चुके हैं, आई का फॉर्मूला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आई का फॉर्मूला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है आई का फॉर्मूला कोई बता सकता है, आई बराबर करेंट इन द डायोड, है ना, आई बराबर आई नॉट ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन, दिस इज द करेंट आई, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, तो आपको ये मिल जाएगा आई अपॉन बीटा जीटा ईटा वी टी,
और ये डायनेमिक कंडक्टेंस है। अब इसको इसमें पुट कर दो तो सी डी बराबर टाऊ जी, जी की जगह ए लिख रहा हूं, देखे मैं इस पे पेज पे लिख देता हूं। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, सी डी बराबर टाऊ जी, जी बराबर क्या आता है ईटा वी टी, जी बराबर आई अपॉन ईटा वी टी, जी बराबर आई अपॉन ईटा वी टी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, और इस फॉर्मूले से अगर आप देखें तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस लीनियरली डिपेंड होता है करंट पर। कौन सा करंट है, ए वो करंट है जो डायोड में फ्लो हो रहा है। दिस इज द करंट विच इज फ्लोइंग इन द डायोड, डायोड करंट है, डीसी करंट है। ध्यान से सुने, क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में। अब आई की वैल्यू आपको पता है, आई बराबर आप आई नॉट ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन रख दें तो आपका इस फॉर्मूले में देखें, इधर 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 प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से देखें, क्वेश्चन आया हुआ है ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी रख दें माइनस वन अपॉन ईटा वी टी, तो आप क्या देख रहे हो कि आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है वो जो लगाया गया वोल्टेज है उसके एक्सपोनेंशियली डिपेंड करेगा। इज इट ओके? तो आपका जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है करंट के तो प्रोपोर्शनल होगा, लीनियरली इंक्रीज विद द फॉरवर्ड करंट एंड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज विद द फॉरवर्ड वोल्टेज। तो क्या आएगा कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज लीनियरली इंक्रीज विथ फॉरवर्ड करंट एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज विथ फॉरवर्ड वोल्टेज। देखो इधर एक बात बोली है मैंने, देखो इधर दिस इज द फॉरवर्ड वोल्टेज, ये आपका फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, ये आपका फॉरवर्ड, तो आपका डिफ्यूजन करंट उसके एक्सपोनेंशियली हो रहा है। देखा सी डी इज प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर वी अपॉन ईटा वी टी, एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए हैं, आपके यूपी पीसीएल में भी शायद पूछे गए हैं, अंडरस्टैंड? तो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ डायोड। डायोड कैपेसिटेंस के काफी क्वेश्चन आते हैं, आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, कोशिश करें बच्चे कि एक बार में अगर आपको नहीं बन पाए तो दूसरी बार में जरूर इसको पढ़ें, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, ये फॉर्मूटिकल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, इसलिए आपको टफ लग सकता है कि हाँ इसमें टफ है थोड़ा सा, बट एक बार आपके फॉर्मूले और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में बैठ गया तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ओके, चलिए बच्चों, तो मेहनत जरूर करें, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे, जितना अपने आपके बॉडी को खपाएंगे, दिमाग को खपाएंगे, तो आपका आने वाला कल उतना ही बेहतर होगा, उतना ही सुंदर होगा। तो फिर वही मेरा जो फॉर्मूला है कि मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार, आज का वीडियो लगता है आपको समझ में आया होगा, आपको जो नहीं आए समझ में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे फिर से आपके लिए बेहतर करके लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, जो है स्पेशल डायोड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशल डायोड में आपने जीनर डायोड, टनल डायोड, एलईडी, एलसीडी, सोलर सेल, फोटो डायोड, पिन डायोड, एवलांची पिन डायोड, ये सभी हमको स्पेशल डायोड में पढ़ने वाले हैं, और इसमें से भी क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलते हैं। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्पेशल डायोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मेहनत करें, सफलता होगी, सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।